नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना के डाक बंगला चौराहे पर कल यानी कि बीते सोमवार को छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान टीटी अभ्यर्थियों पर नीतीश कुमार पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई। इस दौरान हाथ में तिरंगा लिए एक व्यक्ति पर एडीएम ने भी जमकर लाठियां बरसाई। इनके लाठी बरसाने का वीडियो अब वायरल हुआ है, जिसके बाद सरकार ने कमेटी गठित कर जांच के आदेश दे दिए। वहीं इस पूरे मामले पर जब एक निजी चैनल ने एडीएम से सवाल किया तो उन्होंने जवाब देने के बजाय धक्का मुक्की की और बदतमीजी करते हुए दिखाई दिए। बगावत कर दी है। किस तरीके से व्यक्ति के साथ पहले लाठियां भांजी गईं, उसके बाद जब तिरंगा उसने लहराया तो तिरंगे पर भी लाठियां चलाई गईं। यहां पर लठमार एडीएम जो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, जहां पर पुलिस ने बड़ी बर्बरता के साथ इस व्यक्ति को पीटा और इतनी बर्बरता के साथ यहां पर पीटा गया इस व्यक्ति को कि जब व्यक्ति ने तिरंगा लहराया और हाथ में तिरंगा लिए ये व्यक्ति जब सड़कों पर उतरा और नौकरी की मांग की तो यहां पर पुलिस ने उसके साथ बर्बरता दिखाई और उसे लाठियों से जमकर पीटा। भारतीय टीम का नया मिशन शुरू होने को है। इसी हफ्ते यानी कि 27 अगस्त से एशिया कप की शुरुआत हो रही। यूएई में हो रहे इस टूर्नामेंट के लिए जब टीम इंडिया रवाना हो रही थी तभी उसे बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब उनका एशिया कप में भारतीय टीम के साथ रहना मुश्किल है। मंगलवार सुबह ये जानकारी मिली है कि राहुल द्रविड़ को कोरोना हो गया है। ऐसे में ये साफ है कि वो एशिया कप में टीम इंडिया के साथ नहीं होंगे, क्योंकि करीब 5 दिन के बाद ही उनका कोई पहला टेस्ट होगा और उसके बाद वे क्वारंटाइन समेत अन्य चीजों से होते हुए एशिया कप में पहुंचेंगे। जबकि भारत को अपना पहला मैच 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का गोवा में हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके भाई वतन ढाका ने इस आशय की पुष्टि की। सोनाली के निधन की सूचना मिलते ही परिवार गोवा के लिए रवाना हो गया। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हरियाणा स्थित हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वे ये चुनाव हार गई थी। सोनाली के सामने साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस नेता रहे कुलदीप विश्नोई प्रत्याशी थे। बीजेपी के हरियाणा इकाई ने उन्हें महिला मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया था। तो वहीं सोनाली के पति संजय फोगाट का भी साल 2016 में रहस्यमयी परिस्थितियों में निधन हो गया था। सोनाली ने छोटे पर्दे के कई धारावाहिकों में काम किया है। तो वहीं सोनाली फोगाट के निधन पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी नेत्री श्रीमती सोनाली फोगाट के आकस्मिक निधन का बेहद दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। ओम शांति। वहीं दूसरी तरफ देश में जाति संबंधित हिंसा की घटनाओं के बीच जवाहरलाल नेहरू यानी कि जेएनयू की कुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित ने हिंदू देवी देवताओं की जाति को लेकर विवादित बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया। शांति श्री धुलीपुड़ी का कहना है कि हिंदू देवी देवता ऊंची जाति के नहीं हैं। भगवान शिव भी एससी एसटी यानी कि शूद्र के हो सकते हैं। कुलपति ने कहा कि मनुष्य जाति के विज्ञान के अनुसार देवता उच्च जाति के नहीं। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर थॉट्स ऑन जेंडर जस्टिस डिकोडिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड शीर्षक वाले डीवीआर अंबेडकर व्याख्यान श्रृंखला में
उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में महिलाओं को दिया गया शूद्रों का दर्जा इसे असाधारण रूप से प्रतिगामी बनाता है। उन्होंने कहा कि मैं सभी महिलाओं को बता दूं कि मनुस्मृति के अनुसार सभी महिलाएं शूद्र हैं, इसलिए कोई भी महिला ये दावा नहीं कर सकती कि वो ब्राह्मण है या कुछ और है। और आपको जाति केवल पिता से या विवाह के जरिए पति की मिलती है। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो असाधारण रूप से प्रतिगामी है। 9 साल के एक दलित लड़के के साथ हाल ही में हुई जातीय हिंसा की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी भगवान ऊंची जाति का नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आप में से अधिकांश को हमारे देवताओं की उत्पत्ति को मानव विज्ञान की दृष्टि से जानना चाहिए, क्योंकि कोई भी देवता ब्राह्मण नहीं है, सबसे ऊंचा क्षत्रिय है। तो वहीं तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही लोग गुस्से में थे। हैदराबाद में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। उसके बाद आज सुबह उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ कई शिकायतें दी गई थी। इतना ही नहीं, दबीरपुर, भवानी नगर, रेन बाजार, मीर चौक पुलिस थानों के बाहर भारी संख्या में लोग शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। तो वहीं गुस्साए लोगों का कहना था कि उन्होंने एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। दरअसल आपको बता दें कि टी राजा सिंह ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था, इसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी की थी। जानकारी के मुताबिक सोमवार रात को पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद के ऑफिस के सामने और शहर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। वहीं प्रदर्शनकारी उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। इस वीडियो में टी राजा सिंह ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनकी मां को लेकर भी टिप्पणी की थी। संयुक्त किसान मोर्चा के 3 दिवसीय धरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किसान नेता राकेश टिकैत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी है। बता दें कि सोमवार को समर्थकों के सामने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि चाहे जितने राकेश टिकैत आ जाएं, राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो 2 कौड़ी का आदमी है। साथ ही कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सबकी ताकत की वजह से मैं आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि 2 कौड़ी के आदमी राकेश टिकैत के बारे में मैं सब जानता हूं, जिसने 2 बार चुनाव लड़ा और हार गया। तो ऐसा व्यक्ति जब किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति को जवाब देना भी उचित नहीं समझता हूं। आगे उन्होंने कहा कि अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है मैंने, जिससे दुनिया की कोई ताकत मुझे निराश कर सके। आप सबकी ताकत के बल पर चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हमें, मैं क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है, जिसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार दोबारा जंग हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन अब उनका इसी से उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपना चलाए, समय आने पर जवाब दिया जाए, चलता है, उतने भोगते रहते हैं। ऐसे भी हम लोग आराम जैसे बात करते हैं तो हम लोगों का ये होता है, कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे बोलते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़े। और प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि 2 लाख के इनामी माफिया आतिक अहमद के बेटे उमर सरेंडर करने लखनऊ सीबीआई कोर्ट पहुंचे। यहां आपको ये भी बता दें कि सीबीआई ने उमर पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा था और उसे भगोड़ा घोषित किया था। वहीं आज उमर ने सीबीआई के समक्ष खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पहले आतिक का छोटा बेटा अली अहमद प्रयागराज की कोर्ट में सरेंडर कर चुका है, इस समय वो नैनी सेंट्रल जेल में बंद है।
और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें, मुख्तार अंसारी के परिजनों पर ईडी का एक्शन लगातार जारी है। इस बीच ससुर साले और प्रॉपर्टी डीलर को नोटिस भेजा गया है। बांदा जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। उनके 12 ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी ने मुख्तार के करीबियों को नोटिस भेजा है। ईडी ने मुख्तार अंसारी के ससुर जमशेद रजा, साला अतीफ रजा और लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर शादाब को बयान के लिए नोटिस भेजा है। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में ईडी ने मुख्तार अंसारी के 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में करोड़ों के लेन देन का ईडी को पता चला था। इसके बाद ईडी ने कार्रवाई से पूर्व पक्ष रखने के लिए इन लोगों को नोटिस जारी किया था। जल्द ही ईडी के प्रयागराज दफ्तर में पूछताछ की जा सकती है। बदायूं से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि बदायूं में सोमवार रात बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों शहर के मंदिर से भगवान का दर्शन करके घर लौट रहे थे। पुलिस ने हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह हादसा बदायूं दातागंज मार्ग पर दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गनगोला गांव के पास हुआ था। थाना हजरतपुर इलाके के आजमपुर गांव निवासी प्रशांत सिंह, जिनकी उम्र 37 वर्ष बताई जा रही है, अपनी पत्नी रुचि, जिनकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, और छोटे बेटे प्रियांक के साथ एकादशी पर मंदिर दर्शन करने के लिए गए हुए थे। तो वहीं वापस लौटते समय रास्ते में आधी रात को लगभग 3 बजे अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया। वो सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में तीनों की मौत हो गई है। बता दें आपको कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 3रे दिन एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इसमें मंदिरों की सजावट की जाती है। सजावट और झांकियां देखने के लिए स्थानीय समेत आसपास के लोग यहां तक पहुंचते हैं। तो वहीं आधी रात तक शहर के मंदिरों में भीड़भाड़ का माहौल रहता है। इसी रोशनी के त्योहार को मनाकर ये परिवार भी घर लौट रहा था कि तभी रास्ते में यह हादसा हो गया, जिसमें तीनों की मौत हो गई है। तो वहीं SHO दातागंज सौरभ सिंह ने बताया कि शवों के पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। जौनपुर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि एक दुकान के काउंटर पर रखे मोबाइल फोन को लेकर चोर फरार हो गया। तो वहीं चोरी की यह पूरी वारदात दुकान पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। हालांकि पुलिस को सूचित कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस आई और जांच पड़ताल में जुट गई। आपको बता दें, पूरा मामला खुटहन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर मोबाइल फोन को लेकर चोर चंपत हो गए। इस दौरान ये पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है और इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। तो जौनपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर वारदात जब हुई तब ये पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। किस तरीके से देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि एक व्यक्ति आया और टेबल पे रखा हुआ मोबाइल उठाकर चंपत हो गया। बचरावा से अगली खबर है, जहां इश्क की दीवानगी इस सीमा तक जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसका अंदाजा हम आपको बताएंगे कि बचरावा थाने गेट के सामने एक घटना सामने आई है, जहां पर एक प्रेमिका जो अपने प्रेमी के साथ 2 बच्चों की मां बन गई और उसके बाद अपने प्रेमी के साथ 5 वर्ष तक रहती रही। आपको बता दें कि विवाहित पति को छोड़कर जाने लगी और उसके जन्मदाता माता पिता द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। इस दृश्य को देखने के लिए भारी भीड़ एकत्रित हो गई। आपको बता दें कि घटनाक्रम के अनुसार ग्राम पहुरावा थाना शिवगढ़ निवासी राम प्रकाश पुत्र संतोष के द्वारा अपनी पत्नी जो उनकी पुत्री है अंजू का विवाह भौसी निवासी संदीप के साथ हुआ था 5 वर्ष पूर्व। इस दौरान उन दोनों से 2 बच्चे भी हुए, जिनमें से
एक जो बच्चा है वो 3 साल का है और दूसरा जो बच्चा है वो 1 साल का है। यहां पर यह देखने को मिला है कि माता पिता के मना करने पर भी एक प्रेमिका का ये जो प्रेम था ये इस कदर बढ़ गया कि वो अपने प्रेमी के साथ रहने लगी। हालांकि गत दिवस अचानक अंजू गायब हो गई। संदीप के अनुसार उनकी पत्नी अंजू विवाद करके घर से चली गई थी, जिसकी सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने ससुर राम प्रकाश से ये पूछताछ की और बता दें आपको कि अंजू अपने दोनों बच्चों के साथ बछरावा में मिल गई है। रायबरेली जिले के खीरो थाना क्षेत्र में कई महीनों से दिन प्रतिदिन आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां पर चोरों द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है, लेकिन खीरो पुलिस आज तक चोरी की घटनाओं का अनावरण करने में असफल साबित हुई है, जिसका परिणाम देखने को मिला है कि बीते शनिवार को मैडोली गांव से चोरों द्वारा एक भैंस को पिकअप में लादकर निकल रहे थे कि परिजनों ने पिकअप का पीछा किया तो चोरों द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई, जिससे परिजनों ने जब पीछा किया तो उन्होंने ये उचित नहीं समझा और चोरों द्वारा घटना को अंजाम दे दिया गया। इस संबंध में परिजनों ने लिखित प्रार्थना पत्र प्रभारी को दिया है, फिर भी स्थानीय पुलिस घटना में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही, जिससे क्षेत्रीय लोगों में खासा आक्रोश व्याप्त है। वहीं लोगों द्वारा बताया गया है कि 2-4 दिन इन घटनाओं का अनावरण नहीं किया गया तो वे सभी लोग सड़कों पर उतरने के लिए विवश हो जाएंगे। पिछले 1 साल से जहां तक मुझे जानकारी है तो ताबड़तोड़ घटनाएं हुई, बकरियां, ट्यूबवेल मोटर, स्टार्टर, भैंसें और इंजन, ये सब कुछ तो बचने ही नहीं पा रहा, पूरा एक गैंग काम कर रहा है। अगर देखा जाए तो तकरीबन 50 भैंसे पिछले 1 साल में मेरी जानकारी में है कि 50 भैंसे खोली गई हैं, बकरियों की तो कोई गणना ही नहीं है, बिजली के मोटर गायब हो गए हैं। तो बहुत बचपन में एक हम लोग खेल खेलते थे चोर पुलिस, तो चोर पुलिस में होता था सब कुछ एकदम फिक्स होता था, तो उसी तरीके से खोल गई रात के। कहाँ से खुल गई? खूंटा में बंधी रही, खूंटा से खुल ही रही। रात के जाके जब दरवाजे निकले तो लोटर तो लग के निकल गई, पीछा करके बाद हमको जो है मार के जो है देखे वहाँ कट्टा दगा दिया, हम लोग वापस आ गए। कट्टा दगा दिया? हाँ। अच्छा, तो आप लोग कितने लोग पीछे लगे थे? 3 लोग खाली, हमारा बच्चा हमारा छोड़ दिया। अच्छा, पता नहीं। दीदी की चोरी होती है, हम लोग थाने जाते हैं, वहाँ एप्लीकेशन ले लिया जाता है, कोई कार्रवाई होती नहीं, दीदी में चढ़ाया नहीं जाता। किस चीज़ की चोरी हुई है? मोटर की। काहे की मोटर है? सिंचाई वाली बिजली की। जी, कितनी बार चोरी हो चुकी है? 4 बार। चारों बार आपने प्रार्थना। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राणा बेनी माधव की जयंती में शिरकत करने के लिए कल यानी कि 24 अगस्त को आ रहे हैं। समिति के अध्यक्ष और पूर्व विधायक इंद्रेश विक्रम सिंह ने सोमवार को बताया कि अवध क्षेत्र को अंग्रेजों से 18 महीने तक मुक्त रखने वाले अमर सेनानी राणा बेनी माधव सिंह की 218वीं जयंती 24 अगस्त को भाव समर्पण समारोह के रूप में मनाई जाएगी। तो वहीं राणा बेनी माधव सिंह स्मारक समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। और इस बीच फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें, दबंगों ने युवक को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी है। इलाके में इस मामले की जब सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस पहुंच चुकी है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि दबंगों ने चारपाई जला दी। रात में जब ये शव पड़ा हुआ था उस दौरान दबंगों ने शव को भी बुरी तरह से पीटा। सुबह जब पुलिस पहुंची तो इस पूरी घटना की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो पुलिस हालांकि आरोपियों की तलाश में जुट गई है। फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि दबंगों का खौफ इस कदर जारी है कि दबंगों ने युवक की पीट पीट कर
हत्या कर दी। रायबरेली से अगली खबर है, अनियंत्रित तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। मैं डॉक्टर रोशन सिंह पटेल। डॉक्टर, योगेश नाम का एक्सीडेंट घायल अवस्था में मेरे पास आया था, जिसे उचार सीएससी से रेफर किया गया था। उसका हाई फ्रैक्चर और लेग फ्रैक्चर है लेफ्ट साइड में, और हेड इंजरी भी है। उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरते हुए कहा कि आपदा में सियासत करना कमलनाथ जी की पुरानी आदत है, तो वहीं उन्होंने कोरोना पर भी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। जहाँ तक बाढ़ की स्थिति का सवाल है, अभी गुना के थाना धरनावदा क्षेत्र में कुछ गांव में पानी की स्थिति है, और श्योपुर के ग्राम सुंडी में भी पानी की स्थिति है। इन सभी लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। विदिशा में काफी मात्रा में पानी कल आ गया था, चार तहसीलें ज्यादा इफेक्ट हुई थी विदिशा में, प्रॉपर विदिशा तहसील, कुरवाई तहसील, नटेरन तहसील और बासोदा तहसील। 100 ग्राम के लगभग आसपास इसमें प्रभावित हुए होंगे। 350 लोगों का रेस्क्यू कर लिया था। एनडीआरएफ की चार टीमें, एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की चार टीमें वहां पर वर्तमान में लगी हुई है। सीहोर के साहगंज थाने का भी है, वहां पे जो सेनलवादा गांव है वहां पर काफी लोग प्रभावित हुए थे, वहां से 100 के लोगों को निकाल लिया है। वहां भी एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। ब्यावराव में 250 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। भोपाल के बेरसिया में गांव निहंगोली और जनकपुरी में 30 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया था। गुना के चाचोड़ा के क्षेत्र में भी कुछ थे, बेरसिया में एक जगह कुछ पशु भी फंसे हुए हैं। भोपाल में हमने डीजी की रिजर्व टीमें 5 रखी हुई हैं, कि जैसे ही कहीं से आता है रेडी टू मूव की स्थिति में यहाँ पर है। नागदा के महितपुर में भी एक जगह भराव की स्थिति आई है। जबलपुर में भी रेडी टू मूव की स्थिति में हमने रखा है। हेलीकॉप्टर बुला लिया गया है, विदिशा रवाना हो रहा है। हेलीकॉप्टर आ चुका है भोपाल में, कुछ ही क्षणों के बाद रवाना वो हो जाएगा। दूसरा हेलीकॉप्टर नागपुर से चल दिया है, और तीसरा मुंबई से मंगाया जा रहा है। वैसे अभी ये सिस्टम भोपाल से राजस्थान की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। अभी प्रदेश में 16 मार्ग बंद है, गुना ब्यावरा मकसूदनगढ़ भोपाल चंदेरी ललितपुर श्योपुर कोटा श्योपुर बारा श्योपुर सवाई माधोपुर भोपाल सागर नर्मदापुरम हरदा विदिशा अशोकनगर विदिशा रायसेन बरेली पिपरिया जीरापुर आगर सुठालिया मकसूदनगढ़ भोपाल जबलपुर सिवनी नैनपुर उज्जैन कोटा, ऐसे 16 मार्ग हैं। अभी इन पे जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि अभी यात्रा न करें। पिछले 24 घंटे में 87 नए केस कोरोना के संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 51 लोग हैं। 637 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में वर्तमान में है। जो सैंपल कलेक्शन किया गया वो 4097 सैंपल पिछले 24 घंटे में कलेक्ट हुआ है। संक्रमण दर जो वर्तमान में हमारी 2.12 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी वर्तमान में 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। पुलिस के संक्रमित 3 जवान अभी हैं।
वैक्सीनेशन जो संपूर्ण प्रदेश में 24 घंटे में हुआ है वो 24,837 है अभी तक जो कुल। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहें आर्या न्यूज।